बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मटन रेड कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान है बनाना। और ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो ये है। दोस्तों 1 किलो मैंने मटन ले लिया था, हड्डी वाला लिया है दोस्तों मैंने मटन। इसको अच्छे से मैंने पानी में भिगो दिया था नमक डाल के, और फिर उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया कि इसका जो खून है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। टमाटर लिए हैं मैंने 8 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, इसे मैंने चॉप कर लिया है। हरा धनिया लिया है 2 खाने के चम्मच, अदरक ली है चॉप स्लाइस में मैंने दोस्तों 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च ली है मैंने 10 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें ली है, लहसुन अदरक लिया है मैंने पिसा हुआ 2 से 2.5 खाने के चम्मच है, दही लिया है मैंने 100 ग्राम दही ले लिया है दोस्तों। और जो मसालों में मैंने लिया है वो है कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 खाने का चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्चें 1/2 खाने का चम्मच। दोस्तों आप मिर्चें ना अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। धनिया ले लिया था, धनिया को मैंने साबुत धनिया लिया था, इसको भून के मैंने इसको इमाम दस्ते में कूट लिया है 2 खाने के चम्मच है धनिया। नमक 1/2 खाने का चम्मच लिया है, आप अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा। गरम मसाला लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, हल्दी लिए मैंने 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा लिया है, ज़ीरे को भी मैंने तवे पे भून कर इसको भी इमाम दस्ते में कूट लिया था, ये 1 खाने का चम्मच है। कढ़ाई मसाला लिया है दोस्तों मैंने 2 खाने के चम्मच, और कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 1 कप। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी कढ़ाई। कुकिंग ऑयल दोस्तों मैंने 1 कप ले लिया है, उसमें हम मटन शामिल कर देंगे और मटन को हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। हमें 1 से 2 मिनट तक मटन को भून लेना है कि मटन का कलर चेंज हो जाए। लेकिन दोस्तों 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मटन का कलर चेंज हो गया है, इसको हमें फ्राई नहीं करना, बस इतना हम इसको कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। आप इसके अंदर हम लहसुन अदरक शामिल कर देंगे पिसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन अदरक शामिल करने के बाद इसमें हम चम्मच चलाएंगे और फिर पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक। इससे दोस्तों ये होगा लहसुन अदरक शामिल करने के बाद कि बकरे के गोश्त में अक्सर बदबू सी आती है, तो हम गोश्त में बदबू नहीं आएगी और मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 से 1.5 लीटर तक हमें पानी शामिल करना है कि गोश्त गल भी जाए। पानी शामिल करने के बाद इसको हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे कि अच्छे से गोश्त गल जाए। दोस्तों 45 मिनट हो चुके हैं, गोश्त 90% हमारा गल चुका है मटन। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे और मसाले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर शामिल कर देंगे और सारे मसाले शामिल कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, पीसी हुई लाल मिर्चें, धनिया भुना पिसा धनिया शामिल कर देंगे। नमक दोस्तों आप अपने जायके के हिसाब से रखिएगा। कढ़ाई मसाले शामिल कर देंगे, ज़ीरा भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर देंगे, गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और हल्दी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढकना ढककर इसको टमाटरों को गलने के लिए छोड़ देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, मैंने ढकना ढक के टमाटरों को गलने के लिए छोड़ दिया था। टमाटर हमारे गल चुके हैं, अब इसकी हम भुनाई करेंगे और हरी मिर्ची भी शामिल करेंगे साथ में। हरी मिर्ची शामिल कर देंगे दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल करेंगे, चॉप अदरक शामिल करके इसकी हम भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना अच्छा आया है। ऐसे आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। मटन कढ़ाई की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है, टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, अब दही शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही शामिल करने के बाद इसको फिर हम भुनेंगे और फिर ये हमारी कढ़ाई मज़ेदार से तैयार हो जाएगी।
हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, मटन ब्रेड कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। दही मैंने इसमें डालते इसको 5 मिनट तक अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ये देखें तो ये तैयार है। अब जो धनिया और अदरक जो मैंने बचाई थी अब हम वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये देखें दोस्तों मज़ेदार सी मटन रेड कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी है। ये तंदूर की रोटी के साथ नान के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा आपको ये कढ़ाई कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।